हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले सभी को दिवाली की विराट और हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाइयों, विराट और हार्दिक ने हमारे इंडियन क्रिकेट फैंस के पैसे बचवा दिए हैं, वहां पे पाकिस्तान को फोड़ा है और हमने यहां पे बम फोड़े हैं। ये बात तो हकीकत है क्योंकि इंडियन क्रिकेट फैंस फोड़ने में और इंडियन टीम फोड़ने में माहिर है। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान का आज हो गया है बुरा हाल क्योंकि आज वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को टीम इंडिया ने फोड़ डाला है। ओ भाई, मारो मुझे मारो। तो फ्रेंड्स, मैच की बात करी जाए तो टीम इंडिया ने जीता टॉस और बॉलिंग का लिया फैसला, जो हमारे अर्शदीप ने सही साबित करके दिखाया क्योंकि अर्शदीप ने बाबर और रिजवान T20 के बेस्ट बैट्समैन को आउट कर दिया। तो फ्रेंड्स, अर्शदीप को और पांडे को मिले 3 विकेट, भूवी और शामी को मिला 1-1 विकेट, जिसकी बदौलत पाकिस्तान 20 ओवर में 159 रन ही बना पाया। 160 रन का टारगेट चेस करने उतरी टीम इंडिया, रोहित और राहुल की जोड़ी फ्लॉप नजर आई, 4-4 रन बनाकर आउट हो गए और किंग कोहली के कंधों पर जिम्मेदारी छोड़कर रोहित और राहुल चलते बने। और आज मिस्टर 360 डिग्री भी आउट हो गए, 2 चौके उन्होंने शानदार लगाए, 10 बॉल में 15 रन बनाकर वो भी हारिस राव का शिकार बनकर आउट होकर पवेलियन की ओर चलते गए। अक्षर पटेल वो भी आज हो गए फेल। फ्रेंड्स, किंग कोहली और हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे हुए थे और जम भी गए थे। उन्होंने दोनों ने शानदार बैटिंग करते हुए टीम इंडिया को ये मैच, आज इतना बड़ा मैच, महामुकाबला पाकिस्तान के साथ जो वर्ल्ड कप में पहला मुकाबला था हमारा, वो जितवा दिया भाई, मजा आया। तो फ्रेंड्स, हार्दिक पांड्या ने 37 बॉलों में 1 चौका और 2 छक्के की मदद से 40 रन बनाए और हमारे किंग कोहली प्लेयर ऑफ द मैच 4 छक्के 6 चौकों की मदद से 53 बॉलों में 82 रन मैच जिताऊ पारी के लिए। तो फ्रेंड्स, आज जैसा प्रदर्शन टीम इंडिया ने करा है ऐसे ही वर्ल्ड कप में जारी रहे। तो फ्रेंड्स, हमने आपको पहले ही बता दिया था टीम इंडिया 100% मैच जीतेगी। तो फ्रेंड्स, टीम इंडिया को आगे के मैचों के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।